आज एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। ये कविता दिग्गज जैन मुनि तरुण सागर जी के द्वारा रचित है और कविता का शीर्षक है आदमी की औकात। आदमी की औकात शीर्षक से ये कविता रूपांतरित की गई है और तरुण मुनि जी की ये कविता है जो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो कविता इस प्रकार से है, फिर घमंड कैसा कि फिर घमंड कैसा, हे मानव घमंड कैसा है, फिर घमंड कैसा, घी का एक लोटा लकड़ियों का ढेर कुछ मिनटों में राख हो जाएगा। बस इतनी सी है आदमी की औकात, बस इतनी सी है आदमी की औकात कि हे आदमी, घी का एक लोटा और कुछ लकड़ियों का ढेर और कुछ मिनटों में राख हो जाएगा, इतनी सी है आदमी की औकात, इतनी सी है आदमी की औकात। एक बूढ़ा बाप शाम को मर गया, एक बूढ़ा बाप शाम को मर गया, अपनी सारी जिंदगी परिवार के नाम कर गया, अपनी सारी जिंदगी परिवार के नाम कर गया। कहीं रोने की सुगबुगाहट है, कहीं रोने की सुगबुगाहट है तो कहीं ये फुसफुसाहट है। अरे जल्दी ले चलो कौन रखेगा सारी रात, अरे जल्दी ले चलो कौन रखेगा सारी रात। बस इतनी सी है आदमी की औकात, बस इतनी सी है आदमी की औकात। मरने के बाद नीचे देखा तो नज़ारे नज़र आ रहे थे, मरने के बाद नीचे देखा तो नज़ारे नज़र आ रहे थे। मेरी मौत की भी कुछ लोग जबरदस्त तो कुछ जबरदस्ती रोए जा रहे थे, मेरी मौत पे कुछ लोग जबरदस्त तो कुछ लोग जबरदस्ती रोए जा रहे थे। नहीं रहा चला गया दो चार दिन करेंगे बात, नहीं रहा चला गया दो चार दिन करेंगे बस बात। इतनी सी है आदमी की औकात, बस इतनी सी है आदमी की औकात, बस इतनी सी है आदमी की औकात। बेटा अच्छी सी तस्वीर बनवाएगा, बेटा अच्छी सी तस्वीर बनवाएगा, उसके सामने अगरबत्ती जलवाएगा, उसके सामने अगरबत्ती जलाएगा। खुशबूदार फूलों की माला होगी, खुशबूदार फूलों की माला होगी। अखबार में अपरिस्पुरित श्रद्धांजलि होगी, अखबार में श्रद्धांजलि होगी। बाद में शायद कोई उस तस्वीर के जाले भी नहीं करेगा साफ, बाद में उस तस्वीर के कोई जाले भी नहीं करेगा साफ। बहुत बस इतनी सी है आदमी की औकात, बस इतनी सी है आदमी की औकात। जिंदगी भर मेरा मेरा किया, जिंदगी भर मेरा मेरा किया, अपने लिए कम कमाने के लिए ज़्यादा किया, अपने लिए कम किया और कमाने के लिए ज़्यादा किया। फिर भी कोई नहीं देगा साथ, फिर भी कोई नहीं देगा साथ। जाना है खाली हाथ, जाना है खाली हाथ, क्या तिनका ले जाने के लायक भी होंगे हमारे हाथ, क्या हमारे हाथ तिनका ले जाने के लायक भी होंगे। बस ये है हमारी औकात, बस ये है हमारी औकात। जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, जो आखिरी सफ़र के लिए भी औरों का मोहताज है, जो आखिरी सफ़र भी औरों का मोहताज है। फिर घमंड कैसा, बस इतनी सी है हमारी औकात, बस इतनी सी है हमारी औकात। ये तरुण सागर ने बहुत ही अच्छी रचना रचित हिमानों के लिए। यदि इसमें कुछ गुणकारी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।